राजस्थान में सियासी महाभारत का दौर अभी भले ही थम गया हो, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन आरोप प्रत्यारोप के बाण अभी भी चल ही रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ी बात कही कि भूल जाओ और माफ करो, लेकिन गोविंद डोटासरा प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की नीति अंग्रेजों की तरह रही है कि फूट डालो और राज करो, लेकिन यह नीति विफल रही है। आरोप प्रत्यारोप के दौर के बीच में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कांग्रेस और मुख्यमंत्री पर प्रहार किए हैं कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने आरोप प्रत्यारोप का दौर चलाया और 1 महीने तक राजस्थान की जनता को कांग्रेस के धड़ों में जो जिस तरह की गतिविधि हुई, उस तरह की गतिविधि को भले ही कांग्रेस भूल गई हो, लेकिन आम जनता भूलने वाली नहीं है। आरोप प्रत्यारोप का ये दौर राजस्थान में आगे क्या राजनीतिक गुल खिलाएगा, यह तो समय ही बताएगा। दूरियां नज़दीकियां बन गई, ये भी इत्तेफाक हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। जनता ने कांग्रेस के दो दिग्गज नेता, एक मुख्यमंत्री हैं, एक उप मुख्यमंत्री और पार्टी के भी 6 साल से अध्यक्ष हैं, उनके दो होटलों के बंद ड्रामे को संपूर्ण राजस्थान की जनता ने देखा। मीडिया ने भी उसको प्रतिदिन जो स्थान देकर के राजस्थान के इस दृश्य को दिखाया, आज उस दृश्य का जिस ढंग से पटापेक्ष हुआ है और जिस नकली हंसी और प्रसन्नता के माहौल में दोनों ने फिर हाथ मिलाया है, जनता आपसे इतना पूछना चाहती है कि आप ये 1 महीना लड़े क्यों, और लड़ने के बाद अगर एक हुए तो इतना समय लगाया क्यों। इसके कारण से राजस्थान की जो प्रतिष्ठा और राजनेताओं की जो प्रतिष्ठा गिरी है, उसका कोई जिम्मेदार है? अगर वास्तव में आपको लगता था कि मैं आपके बिना 19 आए भी बहुमत साबित कर सकता हूं, इसमें अगर सच्चाई थी तो फिर आपने ये 1 महीना बर्बाद क्यों किया? मैंने तो 14 जुलाई के दिन ही आपसे आग्रह किया था कि 1 लाइन का प्रस्ताव लेकर राज्यसभा महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ जाएं कि हम सदन के फ्लोर पर अपना बहुमत सिद्ध करना चाहते हैं। तो न तो आपको स्पीकर को रात को 10 बजे उठाना पड़ता, न आदेश निकालना पड़ता, न हाईकोर्ट जाने की जरूरत पड़ती, न सुप्रीम कोर्ट जाने की पड़ती, और न राज्यपाल के यहाँ जाकर के धरना दे करके एक कुकृत्य करना पड़ता, और ये और धमकी दे आए कि सारी जनता आपको घेर लेगी और लॉ एंड ऑर्डर मेरा नहीं है। मैं सोचता हूँ इस 1 महीने के एपिसोड में आपने जो कुछ भी भला बुरा कहा और जिन शब्दों का प्रयोग किया, आज उसका समापन कार्यक्रम जिस खुशी हंसी में आपने किया, अगर यही राजस्थान में करना था तो भगवान के लिए ये 1 महीना बर्बाद क्यों किया? इसका कोई जवाब देगा? और इस 1 महीने में राजस्थान में कोरोना का पेशेंट जो 56,000 लोग हो गए और 800 से अधिक लोग मौत के शिकार हो गए हैं, इस 1 महीने में किसी जनप्रतिनिधि ने अपने क्षेत्र में उन दुखी लोगों को और उनके परिवार को कोई सांत्वना या कोई सहयोग करने की स्थिति में थे क्या? इस हालात को देखकर तो ऐसा लगता है कि राजनेता केवल अपने व्यक्तिगत प्रतिष्ठा और पदों के लिए किस घृणित काम में लग जाते हैं और किस सीमा तक जाते हैं, और एक दूसरे पर जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। मेरा बहुत दुख है इस बात का कि जो SOG दो लोगों को पकड़ने के लिए गुड़गांव में इतने दिन तक पुलिस पड़ी रहती है, अधिकारी पड़े रहते हैं, उनके खिलाफ वारंट निकाल करके जाते हैं गिरफ्तार करने का, उसको मुख्यमंत्री कहता है आपका केस FIR भी लग गई और आप दोष मुक्त भी हो गए। ये कानून किसी पार्टी की बकौती नहीं है, कानून की कार्रवाई को इस प्रकार से करना कानून की तोहीन है, और जो आप लोगों ने की है ये राजस्थान के नौजवान और आने वाली पीढ़ी आपके इस नाटक को देख रही है, और वो वास्तव में राजनेताओं के बारे में जो कह रही है, अगर आप में कुछ भी
अगर आपके बीच में कुछ स्वाभिमान बचा हो तो भगवान के लिए दोनों खड़े होकर एक साथ जनता से माफी मांगो कि आपने ये जो एक महीना बर्बाद कर राजस्थान की जनता की तकलीफों में जिस प्रकार के हालात बनाए हैं उसका कोई जिम्मेदार है कि नहीं है। मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो अपनी पुलिस को भी अपने राज को बचाने के लिए दुरुपयोग करके इस सीमा तक जाते हैं और इस प्रकार के मुकदमे दर्ज करते हैं। आपने एसओजी के माध्यम से अशोक सिंह को और उस जैन को गिरफ्तार कर रखा है जो उसके सहयोगी लोग हैं, जो उसके लाइन में है। आज दिन तक उसका पता नहीं लगा सके। बार बार बीजेपी बोलते हो, इतने दिन की जांच के बाद भी बीजेपी का कौन सा नेता तुम ढूंढ पाए। इस प्रकार की ओछी हरकतों से राजस्थान की जनता आज आपके नाटक को देखकर बहुत दुखी है और अफसोस महसूस करती है। मैं सोचता हूं कि यह जो आपका जो चरित्र जो दिखा है ना, ये वास्तव में टेम्परेरी, भले ही आपने इसको समझौता कर लिया, पर आपकी सरकार ज्यादा दिन तक जिंदा रहने वाली नहीं है। और जिस आप विश्वास मत को लेकर के आज आ रहे हो, ये विश्वास मत तो मैंने 14 जुलाई के दिन ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। अगर वो कर लेते तो ये इतना एक महीना बर्बाद नहीं होता। और मैं आपसे फिर निवेदन करता हूं कि राजनीति में अपने पद और अपनी प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए, अपने अहंकार को कायम रखने के लिए जनता के साथ इस प्रकार का व्यवहार जो आपने किया है, जनता आपको कभी माफ नहीं करेगी। को फेल करने के तौर पर गेट इट फॉर यू, फॉरगेट इट फॉर यू, अपने भूल और माफ करो पर आगे बढ़ो। देश के हित में, प्रदेश के हित में, प्रदेशवासियों के हित में और डेमोक्रेसी के हित के अंदर। डेमोक्रेसी खतरे में है, ये लड़ाई डेमोक्रेसी को बचाने की है। उसमें जो हमारे विधायकों ने इतना साथ दिया, 100 से अधिक विधायक एक साथ रहना इतने लंबे समय तक, अपने आप में बहुत बड़ी बात है जो हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा। तो ये डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है, आगे भी जारी रहेगी हमारी लड़ाई। और बाकी जो एपिसोड हुआ है, एक प्रकार से भूल और माफ करो की स्थिति में रहें, सब मिलके चलें, क्योंकि प्रदेशवासियों ने विश्वास करके सरकार बनाई थी हमारी। हमारी सबकी जिम्मेदारी बनती है उस विश्वास को बनाए रखें हम लोग और प्रदेश की सेवा करें, सुशासन दें और कोरोना का मुकाबला करें सब मिल करके। ये जीत जो है, ये जीत असली प्रदेशवासियों की जीत है। पूरे प्रदेशवासियों ने जो हमारे MLA की हौसला अफजाई करी टेलीफोन कर करके, आप निश्चिंत रहो, महीना दो महीना लग जाए, परवाह मत करो। जीत सरकार की होनी चाहिए, सरकार स्टेबल होनी चाहिए, उसके बाद में आप आओ हमारे घरों पे। तो ये जो जज्बा था पूरे प्रदेशवासियों की, उसकी जीत है ये। मैं उनको बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ प्रदेशवासियों को और विश्वास दिलाता हूँ कि जीत हमारी सुनिश्चित है। आने वाले वक्त में और दुगने जोर से सब काम करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। सर, आप जनता से कहते रहे मैं थासु दूर कोनी, अब विधायकों को ये कहना पड़ा। आपने विधायकों को, मैं थासु दूर नहीं, पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूँ। और विधायकों के आपस के अंदर संबंध अच्छे बने हैं, एक महीना साथ रहते हैं तो आप सोच सकते हो कि कितने अंतरंग संबंध बने होंगे। सब मिलके एकजुट होकर संकल्प किया है, हमें जाकर प्रदेशवासियों की सेवा करनी है। पर कई विधायक जो हमारा परम धर्म बनता है, विधायकों की नाराजगी को हमने दूर करने का प्रयास किया है। उनकी नाराजगी होना स्वाभाविक है, जिस रूप में ये एपिसोड हुआ, उनको एक महीना रहना पड़ा, उससे नाराजगी होना स्वाभाविक था। उनको मैंने समझाया है कि देश और प्रदेश और प्रदेशवासियों के और लोकतंत्र को बचाने के लिए कई बार हमें सहन भी करना पड़ता है। हम सब आपस में मिलकर काम करेंगे। जो हमारे साथी चले गए थे वो भी वापस आ गए हैं। मुझे उम्मीद है कि सब गिले शिकवे दूर करके सब मिलके प्रदेश की सेवा करने का संकल्प हम पूरा करेंगे। सर, आपका पत्र बहुत चर्चा में रहा, जो पत्र विधायकों को लिखा आपने, उसको विपक्ष को सबको लिखा था। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ उस पत्र का बड़ा इम्पैक्ट पड़ा। उसी कारण से बीजेपी के जो तीन तीन प्लेन किए हायर उन्होंने एयरक्राफ्ट गुजरात भेजने के लिए, मुश्किल से एक जा पाया, वो पूरा नहीं भरा हुआ था। और उनका कल से कैंप लगना था क्राउन प्लाजा होटल के अंदर, मीटिंग थी, वही रहना था, बाड़ेबंदी हो रही थी। जो कहते थे हमें बाड़ेबंदी क्यों कर रहे हो, ये क्या नौबत आ गई कि बाड़ेबंदी उनकी होने लग गई। उससे जो हालात बने हैं प्रदेश के सामने, पूरी तरह वो एक्सपोज हो गए। पूरा खेल उनका था,
सरकार को टॉपल करने का षड्यंत्र था, जो उन्होंने कर्नाटक में भी मध्य प्रदेश के अंदर भी जो कुछ भी किया दुनिया जानती है और लोग पसंद भी नहीं करते हैं, वही षड्यंत्र राजस्थान का था जो पूरी तरह ध्वस्त हो गया है। भाजपा जो आरोप लगा रही है, अशोक गहलोत इस पूरे प्रकरण पर एक लाइन में क्या कहना चाहेंगे, किसी की जीत किसी की हार या क्या? डेमोक्रेसी का हमारा जो हार जीत की बात नहीं होती है, उद्देश्य क्या है, सिद्धांत क्या है, नीतियां क्या है, कार्यक्रम क्या हम लोगों के, उस पर हम लोग सोचते हैं। और वो कांग्रेस के पक्ष में है। कांग्रेस का जो शानदार महात्मा गांधी के जमाने का इतिहास है, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबू कलाम आजाद, अंबेडकर साहब ने बनाया संविधान, 70 साल के बाद में हमारे यहाँ लोकतंत्र कायम रहा है। और अब भी मैं कहना चाहूँगा इस देश के अंदर लोकतंत्र आने वाले सदियों तक कायम रहे, ये हमारा सपना रहेगा जिंदगी का। उसको बचाने के लिए हम सब एकजुट रहेंगे और आप देखेंगे कि पूरा प्रदेश पूरा देश एकजुट रहेगा। किसी कीमत पर जो मंसूबे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोकतंत्र खत्म करने का, वो कभी पूरा नहीं होने देंगे। ये राहुल गांधी का भी सोच है, सोनिया गांधी का सोच है, हम सबका सोच है, उस पर उनके नेतृत्व में चलेंगे। और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए कितने बड़ा संघर्ष करना पड़े, हम चूकेंगे नहीं। और सत्य की जीत होती है, सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते।